अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे, हर किस्म की बीमारी परेशानियों से महफूज रखे और अपने घरों में सेफ रखे। आमीन सुमा आमीन। तो मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, और ये पिज्ज़ा जो था चिकन टिक्का था, और दूसरा जो था ये एक्स्ट्रा वेगन सा था इसका नाम। तो दोनों पिज्ज़ा बहुत अच्छे थे, मज़े के थे, और वैसे पर्सनली मुझे जो है वो पिज़्ज़ा इतना नहीं खास पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों को पसंद है, तो बस फिर हमने ऑर्डर कर लिया था। जैसे जब पिज़्ज़ा आता है तो मैं एक स्लाइस या वन एंड हाफ स्लाइस खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता, लेकिन ये दोनों टेस्ट में डोमिनोज से जो थे वो पिज़्ज़ा दोनों बहुत ही मज़े के थे। तो जिन्होंने नहीं की ट्राई किया वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे बस ये है कि मैं बच्चों को उनके प्लेट्स में निकाल के दे रही हूँ ताकि वो खा लें। तो आदिल को बस ये था कि मैं प्लेट में निकाल के दे दूँ, उनकी स्पाइडरमैन वाली प्लेट में आ जाए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा खास जो है वो खाया नहीं था। तो बस बच्चों को ये होता कि अपनी प्लेट्स बना लें। तो ये मेरा ब्लॉग जो है ये मेरा थर्सडे का है, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था। तो वैसे हम इतना क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे थे, और ना ही हम इतने कोई फैन है कि देखें, लेकिन ये वाला मैच तो हस्बैंड ने बोला कि ये हम ज़रूर देखेंगे। तो फिर हमने कहा चलो उसका पूरा सेटअप ही बना लिया जाए, पिज्ज़ा वाला, ताकि थोड़ा पूरा वो माहौल बन जाए और हम उसको देख सके। और यहाँ पे ये जो है आदिल ने पिज़्ज़ा नहीं खाया और उसने आइसक्रीम खाने का कहा, तो मैंने कहा चलो जो भी खा रहा है खा ले। और यहाँ पे ये जो आप वो देख रहे हैं मसाला देख रहे हैं, ये मसाला जो है वो यहाँ पे एक ब्रेड क्रम्स के साथ ग्रिल चिकन, बीफ का और चिकन का दोनों का होता है, तो उसके साथ ये मसाला मिलता है, तो ये बहुत ही मज़े का होता है। ब्रोस्ट हो या इस तरह की चीज़ों में उसके साथ ज़रूर खाती हूँ, और साथ में चाय चाय तो मेरी फेवरेट हर चीज़ के साथ है। तो बस अब हमारा टीवी पे लग नहीं रहा था, तो हमने मोबाइल पे पहले स्टार्ट कर दिया, और फिर जो है वो हमारा बाद में लग गया था टीवी पे भी। तो पाकिस्तान गए, ये था कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रन्स उनको दिए थे, टारगेट दिया था। तो बस यही होता है मैच में, किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है। एक और चल पड़ गया भाई, चौका 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 मार दिया, क्या बात है। लपाड़ने वाला करेगा तो बस मैच हमारा ये काफ़ी अच्छा चल रहा था, उन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग वगैरह की थी। तो बस अब ये कि मैच में यही होता है कि किसी एक ने जीतना होता है तो एक ने हारना होता है, तो हमें हर हाल में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत जो है वो लोग उन लोगों ने की थी, और जो कि दिख भी रही थी कि उन्होंने बहुत सारे सिक्स और फोर बनाए मारे, तो वो बहुत ही अच्छा था। बाय एम्पायर नीचे हुआ और गिर गया। सब साफ कर दिया तुमने।
ये इस ब्लॉग की मैंने जो है वो एडिटिंग वगैरह जो है वो आज सैटरडे वाले दिन ही की है। तो यहाँ आज सैटरडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में जो है यहाँ पे यम्बो में बारिश भी हुई थी, और दूसरे सिटीज़ का मुझे नहीं पता सऊदीया के वहाँ पे हुई कि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हुई थी बारिश। और ये कि सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छा सा प्लेजेंट सा वेदर था, हम लोग बाहर निकल के गए, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को भी थोड़ा सा स्लाइड्स वगैरह कराई। तो इंशाल्लाह इसका ब्लॉग भी आपको बहुत जल्द ही मिल लेगा, और ये कि अच्छा लगेगा आप लोग को देख के। तो चलिए बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। मैंने एंडिंग इसलिए नहीं दिखाई और रिकॉर्ड भी नहीं की क्योंकि हमारी टीम जो है वो जीती नहीं, अगर जीतती तो फिर मैं ज़रूर उसकी पूरी एंड तक रिकॉर्ड करती। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, और जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।